पब्लिक डे गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस के दिन देश का सुप्रीम लॉ हमारा संविधान लागू किया गया। देश संविधान से चलता है और संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं हम उसी को अपनाकर आगे बढ़ते हैं। जहां संविधान ने हमको बहुत सारे अधिकार दिए हैं वहीं हमारे बहुत सारे कर्तव्य भी उसमें लिखे हुए हैं। जहां हम अपने अधिकारों को हमेशा याद रखते हैं हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। मैं देशवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि हम भारत के नागरिक के हैसियत से अपने कर्तव्यों को भी याद रखें और हमारी जो प्रियम्बल है जिसमें के संविधान की रूपरेखा बताई गई है उसमें जो आइडियल्स हैं हम उसको पूरा करने की कोशिश करें। हम एक जस्ट डेमोक्रेटिक सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना करें जहां न्याय हो, जहां सबको अधिकार हो, जहां सबका डेवलपमेंट हो, जहां सबको स्वतंत्रता प्राप्त हो और हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ें। हम अपने देश को मजबूत करें और देश का नाम पूरे जग में रोशन करें। आइए आज संविधान के प्रति हम ये शपथ फिर से दोहराएं कि हम संविधान में जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ के पाबंद रहेंगे और संविधान के इम्प्लीमेंटेशन की हम गवाही देंगे। हम अपने जीवन में उसको लाएंगे। जो कर्तव्य संविधान ने हमको बताए हैं उन कर्तव्यों को हम पूरा करेंगे और जो अधिकार हमें दिए गए हैं उन अधिकारों का रीजनेबल पद्धति से हम प्रयोग करेंगे। हम इस देश को एक शांति प्रिय अमन पसंद सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए सर्वोपरि कोशिश करेंगे। मैं देशवासियों को फिर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और कामना करता हूँ कि भारत का विकास निरंतर होता रहे और इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने जो आइडियल प्रस्थापित किए थे, इस्टैब्लिश किए थे भारत के संविधान के द्वारा, वो हमें अचीव होता है। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए एसटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।